हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कॉन्सेप्ट बाय सुमित शर्मा। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स लाइक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। इन दिस वीडियो वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट टू मेथड्स, यूजिंग टू मेथड्स बोल सकते हैं। तो अपने पास होगा डायरेक्ट मेथड, एक होगा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आज हम जानते हैं, तो आपका काम क्या है, इसको वीडियो को अच्छे से देखना, ये जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा का पूरा आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे तो अपने पास इसके अंदर दो मेथड रहेंगे, एक तो फर्स्ट, एक सेकेंड। फर्स्ट मेथड को जानेंगे तो ये अपने पास आएगा डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड को जानेंगे तो सेकंड क्या आएगा? इनडायरेक्ट। देखो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है। देखो दोनों के दोनों मेथड क्या है? लेंथ को मेजर करने के हैं। भाई लेंथ को मेजर करने अपने पास पास दो टाइप होंगे, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर आप किसी भी डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, बोल सकते हैं स्केल से मेजर करना हो। जब आपको फिक्स हाइट गिवन हो, फिक्स हाइट बोल सकते हैं, फिक्स साइज गिवन हो, तब आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। जैसे आपको बोलते हैं हाइट ऑफ ए पर्सन, आपको किसी पर्सन की हाइट निकालनी, तो आप स्केल से या बोल सकते हो आप जो मीटर स्केल उससे मेजर कर पाओगे आसानी से। इसके अलावा आपको बोल दे भाई आपको किसी सर्कल का या बोल सकते हैं किसी एक राउंड शेप का, स्फेयर का रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना, तो आप वर्नियर कैलिपर इनको यूज करके निकाल सकते हो। तो ये तो सारी की सारी डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, डायरेक्टली आप स्केल यूज करके आप मेजर कर पाओ। जैसे बोल सकते हैं भाई आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, भाई आप बोल दो ए प्लेस से बी प्लेस तक कितनी डिस्टेंस है, तो आप इसको स्केल का यूज करके, ओडोमीटर का यूज करके आप आसानी से निकाल पाओगे। बट जो सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्ट मेथड के अंदर तो आपको जो डिस्टेंस है या लेंथ है आसानी से आप यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ बोल सकते हैं आप स्केल, वर्नियर कैलिपर, अदर जो डिवाइसेज है उनकी हेल्प से आप आसानी से निकाल पाओगे। बट जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट के अंदर आपको क्या होगा, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होगी, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होगी या बोल सकते हैं लार्ज लेंथ होगी। उस केस में देखो जैसे आपको बोलते जैसे आपको जो माउंटेन है, जो भी पहाड़ी चोटियां हैं, पहाड़ की चोटियां या फिर और ज्यादा हाई डिस्टेंसेज बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, आपको स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उनको मेजर करने के लिए आपके पास ऐसा कोई स्केल नहीं है जिससे आप भाई अर्थ से लेकर जो सन है वहां तक की डिस्टेंस निकालने को बोलते हैं, भाई अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो आप डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते ना। तो उनको निकालने के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड चाहिए। और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप पढ़ोगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है पैरेलेक्स मेथड, या पैरेलेक्स मेथड भी बोल देते हैं उसको। तो उसको यूज करते हुए आप कैसे लार्ज डिस्टेंसेज को निकाल पाते हैं। उससे पहले देखो आप, जैसे आपने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर आता है आपको हाइट निकालनी होती है नाइन्थ या टेंथ क्लास के अंदर, भाई आप साइन कोस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के निकाल सकते हो। जैसे आपको बोल दे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक मान लेते हैं अपने पास कोई माउंटेन है या कोई बोल सकते हैं यहाँ पे कोई हाइट है जो अर्थ के सरफेस इतनी हाइट के ऊपर चला, ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप यहाँ पे एंगल मेजर कर लेते थे, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, वहां से भी आप एंगल मेजर कर सकते हो। तो बहुत सारे डिवाइसेज जिनसे आप एंगल मेजर कर पाओगे, यहाँ पे कितना एंगल है, इधर कितना एंगल है। अब ये ए पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट मान लिया, अब यहाँ से इन दोनों एंगल का आपको पता है, इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको पता होगा, आपने ए और बी के बीच कितनी डिस्टेंस ली है। इनके हेल्प से यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप एच को निकाल सकते हो। तो ये कौन सा मेथड होगा? इनडायरेक्ट हो गया। देखो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, स्केल का यूज नहीं किया, विदाउट स्केल के यूज के हमने यहाँ पे जो हाइट थी इस माउंटेन की, टावर की या काइट की, उसको आसानी से गेन कर लिया। तो इस टाइप का जो मेथड होगा, इन्हीं से रिलेटेड अपना जो टॉपिक है ना पैरेलेक्स मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड है, यही वाले रूल लगेंगे जिनके अंदर एंगल का हम यूज करेंगे। चलो देखते हैं वो मेथड क्या है और उसको समझते हैं, देखते हैं अभी पैरेलेक्स मेथड। देखो पैरेलेक्स मेथड को समझने से पहले आप सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मान लिया आपको कोई एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस मेजर करनी, मान सकते हो अपने पास एक मार्कर, इस मार्कर की जो निब है उसको आपको टेस्ट करना दो अलग अलग पोजीशन से। फर्स्टली देखते हैं हम अपने पास, हम अपनी एक आई को ऐसे हाथ से ढक लेते हैं, जो दूसरी जो है वहां से देखते हैं इसकी जो पोजीशन है उसको हम मेजर करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद जो सेकंड है उसके ऊपर रखते हैं इससे मेजर करते हैं। तो आपको पता चल, जैसे अपने पास एक पॉइंट है, इस वीडियो के अंदर भी आप करके देख सकते हो, जैसे पॉइंट है आप लेफ्ट आई से देखोगे तो आपकी जो पोजीशन, मान लीजिए अपने पास ये क्या होगा लेफ्ट आई से इसकी जो
पोजिशन हो, ठीक है। आपने जैसे राइट आई से देखा तो आपको इसकी जो पोजिशन है ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट और राइट से आप देखते हो तो आपको इसकी पोजिशन के अंदर चेंजमेंट आता है ना, वैसे पोजिशन में आप चेंज करो और वहां से आप इसके अंदर जो एंगल है उसको आप निकाल पाओ, उस एंगल के हेल्प से आप इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप आसानी से निकाल पाओगे। देखो मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है थीटा, इनके बीच की जो डिस्टेंस ही हमने मान ली। अब आपने पढ़ा होगा, देखो सर्कल के केस में कभी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे जैसे एंगल है जो अपने पास सर्कमफेरेंस है कोई भी आर्क बोल सकते हैं, उसके द्वारा जो सेंटर के ऊपर जो एंगल डाला जाता है उनके बीच रिलेशन होता है, इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास ये जो डिस्टेंस है बोल सकते हैं जो आर्क है उसको क्या मान लिया, एल मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ से तक की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया आर। तो यहाँ पे आपने रिलेशन पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, वहां पे क्या था थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर होता है। यहाँ से आपको देखो ये थीटा का पता है, आर निकालना आर निकाल सकते हो या बोल सकते हो आपको एल निकाल लिया एल भी निकाल सकते हो, एल निकालो तो क्या आएगा एल बराबर क्या हो जाए थीटा इंटू में आर आ जाए, ठीक है। यदि इसके अलावा आपको आर निकालना आर निकालो तो क्या आएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा एल वाई में थीटा मिल जाएगा। यही मेथड यदि हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल पाएंगे हम आसानी से, चाहे अपने को ये वाली डिस्टेंस निकाले इसको पॉइंट मान लें, तो यहाँ पे हम थीटा आपको पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होता है एल वाई आर आर्क वाई में रेडियस, ठीक है ना। यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं अपने पास एक कर्व्ड सरफेस मान लेते हैं एक बार, जो इसके ऊपर एंगल कितना डालता है थीटा डालता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्क होगी वो क्या हो गई एल से आर तक हो गई, और यहाँ पे क्या है रेडियस है, इस रेडियस का हम इस रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिया ना स्मॉल आर ले लें, यहाँ से हम ये वाला जो थीटा है थीटा आर्क या रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी मेथड को हम यूज करते हैं पैरेलेक्स मेथड को समझते हैं। तो जो पैरेलेक्स मेथड है पैरेलेक्स मेथड के अंदर क्या होगा, अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर है उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, और उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो उसकी पोजीशन फिक्स हो किसी एक पॉइंट के ऊपर। मान लेते हैं देखो आप समझने के लिए मैक्सिमम टाइम जो पैरेलेक्स मेथड है वो हमेशा यूज किया जाता है जो स्टार्स की जो डिस्टेंस है ना अर्थ से उनको निकालने के लिए। हम देखते हैं अपने पास हमने माना सन, हमें पता जो सन है सन के अराउंड अपने जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है ना। यहाँ पे मान लिया अपने पास एक पोजिशन तो अपने पास ये है एक पोजिशन ये, आपको पता है सन के अराउंड अर्थ अपना एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। मान लेते अपने पास फर्स्ट या मान लेते हैं फर्स्ट टाइम हमने देखा T1 अपने पास पोजीशन ये थी अर्थ की, उसके बाद हमें पता भाई ऐसे घूम रही है हमने वैसे सर्कल लगाया कि सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं ऑर्बिट के अंदर घूमेगी, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन 2 होगी सेकंड टाइम पे जब हमने देखा, हमने देखा यहाँ पे कोई एक स्टार था। आपको पता अभी जब भी देखते हो आज आप किसी स्टार की पोजीशन को लोकेट करते हो फिक्स स्टार को, यहाँ पे पोजीशन 6 महीने के बाद देखो यदि वो भी वही स्टार है ना तो वहाँ पे अपने को ऐसे ही लगेगा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था वो भी यहीं पे सेम, यहाँ पे इधर देखा इधर से इधर देखा हमने 6 महीने बाद भी ऐसे पोजीशन लग गए। इनके बीच यदि हम देखना चाहें तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालिए यहाँ से हमने वाली डिस्टेंस निकाली, ठीक है। बट इनके बीच में हमने एक ऐसा स्टार लिया है जिसकी डिस्टेंस हमें निकालनी, स्टार को हम क्या मान लेते पी मान लेते हैं, पी क्या है वो स्टार है जिसके लिए हमें डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से। तो देखो आप यहाँ से आप एंगल लेके चलो, ठीक है, यहाँ से आप एंगल लेके चलो इस पोजीशन से जो अपने पास अर्थ की जो पोजीशन है T1 टाइम के ऊपर और एक पोजीशन अर्थ की T2 टाइम के ऊपर, ये तो कैसा फिक्स स्टार था वहां पे आपको भाई यहाँ से देख रहे हो बिल्कुल पैरेलल, ये दोनों लाइंस कैसे होगी पैरेलल होगी। अब देखो पैरेलल लाइंस के लिए जो अपने पास एंगल बनते हैं यहाँ पे हमने मान लिया अपने पास कैसा है थीटा 2 एंगल, कैसा थीटा 2, यहाँ पे जो एंगल बना वो कैसा था थीटा 1 था। अब हमें पता है जब हम इसके अंदर यूज करेंगे तो यहाँ पे कैसी लाइन ले सकते हैं जो सन से होती है पास, ठीक है, इनके पैरेलल जैसे ये थी जैसे ये होगी क्या होगी पैरेलल होगी ना। यहाँ पे जितना एंगल है उसका अल्टरनेट करके हम इधर निकाल सकते हैं, यहाँ पे जितना एंगल उसका अल्टरनेट करके हम इधर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अपने को एंगल क्या मिल जाएगा थीटा 2 मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा थीटा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने को टोटल एंगल मिला वो क्या थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। अब जो हमने इससे पीछे जो टॉपिक समझा ना उसी को हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस वो है, इधर देखेंगे तो अभी अपने पास क्या हुआ ये डिस्टेंस है। हम मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को ए माने इसको बी माने, बोल सकते हैं यहाँ से ए बी क्या है डिस्टेंस है किसके बीच अर्थ की दो अलग अलग पोजिशन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है ए बी है। अब यहाँ पे अपने बी वाली डिस्टेंस निकालनी है, हमें थीटा का पता चल गया और हमें पता थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर, अभी पढ़ा था ना हमने थीटा इक्वल टू एल बाय आर,
यहाँ पे जो थीटा है एंगल, एंगल क्या है थीटा वन प्लस थीटा टू है, अप्लाई कर सकते हैं पहला क्या थीटा वन थीटा टू। अब देखो जो L है, L क्या है लेंथ ऑफ आर्क, अब आर्क का केस लेके चलें तो अपने पास ये तो डिस्टेंस आएगी, और आपको पता है जो अर्थ और जो सन है उन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, एवरेज क्यों बोलते हैं आपको पता है भाई जो अर्थ है वो चक्कर लगाती कभी तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है कम हो जाती कभी ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज डिस्टेंस को हम लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर, AU के अंदर लिखते हैं ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो क्या है 1 AU है, यहां पे देखिए ये भी कितनी है 1 AU है, तो यहाँ पे देखिए ए बी निकाले तो AU और AU कितना हुआ 2 AU हो गया, यहाँ पे जो L होगा वो क्या हो जाएगा 2 AU, दो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और नीचे अपने पास R, R क्या रहेगा R ये वाली लेंथ बोल सकते हैं, P से A बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं P से B भी हम इसको बोल सकते हैं। यदि अब हम यहाँ से PA या PB निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं ना सिंपली, तो ये एक ऐसा मेथड है पैरेलेक्स मेथड जो आपको किसी एक स्टार की पोजिशन को, यहाँ पे स्टार है उसकी पोजीशन को अपने को एग्जामिन करना कितने डिस्टेंस के ऊपर है अर्थ से, तो हम यहाँ पे कोई एक फिक्स स्टार लेके चलेंगे, उस फिक्स स्टार के कंपैरिजन में हम यहाँ से एंगल गेन निकाल सकते हैं, और एंगल निकालने के लिए अपने पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं हम एंगल को गेन करेंगे। जब एंगल का पता चल गया तो हम अपने पास जो पैरेलेक्स मेथड है उसको यूज करते हुए उस स्टार की लोकेशन को हम आसानी से बता सकते हैं भाई अर्थ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर वो है, ठीक है। तो अपने पास जो लेंथ की मेजरमेंट के जो दो मेथड थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो आपको समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट तो सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट जो भी आप मेजरमेंट कर पाते हो आसानी से, इनडायरेक्ट के अंदर आपको बताया कौन सा पैरेलेक्स मेथड बहुत बार एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, एक बार यहाँ से देखा आपकी बुक के अंदर देखना, वहां से आपको इसका कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन दे रखा होगा, यहाँ पे 2 AU लिखा है, यहाँ पे AB भी लिख सकते हैं, AB क्या है डिस्टेंस ही तो है यहाँ से यहाँ तक, हमने वैसे मैथमेटिकल फॉर्म में ले लिया भाई, जो अपने पास अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर मेजर की जाती है, तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख के इसको मेजर कर लिया, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, फिर समझ में आया तो लाइक करें शेयर करें और साथ साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।